हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दूध की जो मलाई होती है उसकी बहुत ही इजी सब्ज़ी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी के लगभग ताजी मलाई। ये आप 1 से 2 मीटिंग भी इकट्ठा कर सकते हैं फ्रिज में रख के। हरी मिर्च, मीडियम प्याज, टमाटर और थोड़ा सा जीरा। और अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इस मलाई को एक बार अच्छे से फेंट देंगे। ये देखिए, ये मलाई हमने लिया और इसको एक विस्कर से अच्छे से हम इसको फेंट देंगे ताकि इसमें जो लम्स हों वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए हमारी मलाई का। ये देखिए, हमने ये यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। 1 चम्मच के लगभग हमने इसमें लिया है तेल। ये मेरा मूंगफली का तेल है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें तेल बहुत ही कम लगता है। अब हमारी जो भी सब्जियां थी, प्याज, टमाटर और मिर्च, हमने छोटी छोटी काट ली हैं। सबसे पहले हम डालेंगे, जब तेल हमारा हल्का हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम जीरा 1 चम्मच के लगभग, और इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको हमने हल्का सा मिक्स किया। ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि हम बहुत आराम से बना सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को ना हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और ना कच्चा रखेंगे, बस इसको हल्का सा पकाएंगे जब तक ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, और मतलब हल्का सा सॉफ्ट करने तक के हमें इसे पकाना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसमें बहुत ही कम रहता है, बहुत ही लाइट नमक डालेंगे वरना फिर हमारी सब्ज़ी में नमक का टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको रखना है। इन सब में हमारा जो फ्लेम रहेगा वो मीडियम ही फ्लेम रहेगा, क्योंकि इसे ओवर कुक भी नहीं करना है और अंडर कुक भी नहीं रखना है। इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, आधे चम्मच के लगभग, क्योंकि मलाई की एक मिठास को ये बैलेंस करेगा जो हमारा गरम मसाला है। ये देखिए, अब ये हल्का सा हो गया। बस अब इसमें हम थोड़ी सी, अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल दिया, और बस एक बार इसको मिक्स करना है। ये देखिए, अब ये हमारी जो फिटी हुई मलाई थी ये हमने इसमें डाल के मिक्स किया। और आप इसमें इस स्टेज पे आँच को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मलाई डालने के बाद हमको इसको बॉयल नहीं करना है, लेकिन एक अच्छा सा इसमें हल्का सा इसको पकने देना है ताकि जो भी हमारा मसाला, जीरा, जो भी चीज़ डाल रहा है उस वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए, अब हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक का वेट करेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे, वरना फिर हमारी मलाई बहुत लाइट रहेगी। ये देखिए, हमारी मलाई की सब्ज़ी बन के तैयार है। प्लीज़ इसको अपने घर पे एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू।